नरेंद्र मोदी जी को जितनी गालियां देना है वो दे दो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इतना मजबूत आदमी है, गालियां उधर से उधर निकल जाती है। नरेंद्र मोदी जी को जितनी गालियां देना है वो दे दो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इतना मजबूत आदमी है, गालियां उधर से उधर निकल जाती है। पहला राष्ट्रपति पद आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को मिला, दलित समाज के थे। दूसरा राष्ट्रपति पद आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को मिला, वो आदिवासी समाज की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के बने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी समाज के बने, मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम दलित समाज के बने, और राजस्थान में ब्राह्मण समाज को भी मौका दिया। हमारी सरकार सभी जाति वर्गों को न्याय देने का काम करती है। आरोप तो लगाए जाते हैं, कांग्रेस वाले तो आरोप लगाते रहते हैं, उनको आरोप लगाने का काम ही है, वही काम वो करते रहे, हम सत्ता में हमारा काम करते रहेंगे। जितना आरोप करना उतना आरोप करिए, आरोप के लिए हम डरने वाले नहीं है। मरे इसलिए मतलब गलत काम करने का काम इनका है। मोदी जी का नारा है सबका विकास सबका साथ। सर मोदी जी का नारा है सबका विकास सबका साथ, फिर कैसा होगा मजबूत कांग्रेस का हाल? नरेंद्र मोदी जी करते हैं मन की बात, नरेंद्र मोदी जी करते हैं मन की बात, लेकिन कांग्रेस वाले करते हैं धन की बात। मोदी जी ने मजबूत किया है संविधान, यहां तो कोई नहीं दिख रहे हैं, तो मोदी जी ने मजबूत किया है संविधान, इसलिए देश की बढ़ रही है शान। मोदी जी की तरफ है सारे दुनिया का ध्यान, मोदी जी की तरफ है सारे दुनिया का ध्यान, लेकिन 2024 के चुनाव में इंडिया आघाड़ी पर जनता लगाएगी बैन। और इसी तरह मतलब हम सब लोग काम कर रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि भाई संविधान बदलेगे, संविधान कैसा बदल सकता है सर?